नमस्कार दोस्तों, आज सबसे पहले आपको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि हम सबके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और ये मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद पहला वीडियो है। इसलिए मैं आज सब आप सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अपना सपोर्ट इसी तरह से देते रहेंगे और अपने हेल्प और मोटिवेशन से मुझे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। और आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस आप लोग प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें और आप उन्हें देख सकें। तो चलिए आज की हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन हमारी जाली वाली है जो कार्डिगन पे, हाफ जैकेट पे लेडीज़ बहुत ही अच्छी लगती है और ये इजी भी है। देखिए इस तरह से दिखती है ये ऐसे देखिए तो ऐसे दिखती है। ये पर्टिकुलर इतना बनाने के लिए ये जो डिज़ाइन है ये जो है 8 के मल्टीपल, मतलब 8 8 8 के मल्टीपल फंदे डालेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा, एक इस किनारे के एक इस किनारे के। तो 8 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे डालने के बाद और ये डिज़ाइन की सेटिंग सही से आती है। इतना छोटा सा ये पीस बनाने के लिए मैंने 24 फंदे और प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा, 24 प्लस 2 स्टिचेस मैंने एक्स्ट्रा डाली है। और डालने के बाद मैंने इसका डिज़ाइन स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया है। ये 12 सिलाइयों का पैटर्न है और इसकी उल्टी सिलाई, हर सिलाई उल्टी जो है, ये देखिए सीधा ऐसा दिखता है और उल्टा इस तरह से। जो फंदे हमारे जैसे दिखेंगे उन्हें वैसे ही बनाना है, मतलब जो सीधे दिखेंगे उन्हें सीधे बनाना है, जो उल्टे दिखेंगे उन्हें उल्टे बनाना है। तो ये हमारा रॉन्ग साइड पे ख़त्म हुआ है तो इसको हम पूरी उल्टी बनाएंगे, मतलब जो फंदे हमारे जैसे दिख रहे हैं वैसे हम इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम फर्स्ट सिलाई से इसको रिपीट करेंगे। ये देखिए इसमें ये जिगजैग से जो नेट बनी है ये 3 बनी है, ये इतना 1 फंदे पे, इतना 8 फंदे पे, ये 3 इस तरह से बनी है। और जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट रो से जो हमारी राइट साइड है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा जो हमारा किनारे वाला है उसको हम एज इट इज स्लिप कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। ये देखिए एक उल्टा है और एक सीधा, इन दोनों फंदों को हम एक साथ 2 का 1 सीधा ये इस तरह से बुन देंगे। फिर उसके बाद हम ऊन को आगे कर लेंगे क्योंकि यहाँ जाली है तो जाली के ऊपर जाली पड़ेगी, ऊन को हमने आगे कर लिया, फिर एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, ठीक है। फिर ऊन को आगे कर लेंगे, यहाँ भी देखिए जाली है तो ऊन को हम आगे कर लेंगे और फिर हमें स्लिप स्लिप निट करना है। मतलब ये देखिए ये जो दोनों फंदे, ये फंदा और ये फंदा, आप इसको पहले ऐसे पलट लीजिए, ये ऐसे और ऐसे, और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेके पीछे से 2 फंदों का 1 फंदा करना है, क्योंकि देखिए इस तरह से जो हमारी ये है ये चोटी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, नॉर्मल उल्टे, 1 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ तक हमारे पहला फंदा तो हमारा किनारे वाला है तो इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हो गए। तो 8 फंदे की एक डिज़ाइन, ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें रिपीट करना है, ये एक पैटर्न हमारा 8 फंदों का कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमें रिपीट करना है। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, ये फंदा और ये फंदा 2 फंदों को आगे से ऐसे सिलाई डाल के 2 का 1 सीधा बना लेंगे। 2 का 1 सीधा बुन दिया, फिर देखिए यहाँ पे जाली है जो हमने पहले बनाया था वही, फिर ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन को आगे करेंगे और फिर इन 2 फंदों को, ये देखिए ये और ये, इनको पीछे से 2 का 1 बुन देंगे, ये 1 और 1, ये 2, ये पीछे से इस तरह से पीछे से 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऊन को आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 1 ये 3, ये दूसरा रिपीट हो गया 8 का। फिर उसके बाद ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, अब जैसे इधर किया था एक पहला और दूसरा, इन 2 फंदों को आगे से नॉर्मल जैसे बनाते हैं ऐसे
एक साथ सलाई घुसाएंगे और दो फंदों को एक साथ सीधा बंधेंगे, ऊन को आगे करेंगे, यहाँ जाली है तो जाली के ऊपर जाली, एक फंदा सीधा, फिर ऊन को आगे करेंगे और ये दो फंदे, ये देखिए एक और दो, दो स्टिचेस एक साथ बैक लूप से दो का एक सीधा बना देंगे। फिर ये हमारे पास चार फंदे बचे, ऊन को आगे कर देंगे और तीन फंदे सीधे जो कि पैटर्न का हिस्सा है और एक फंदा ये स्लिप स्टिच जो कि लास्ट वाला। ठीक, ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड सिर्फ मैं ये वाला आपको बिन के बता रही हूँ, बाकी मैं उल्टी तरफ आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि उल्टी सिलाई जो है, हर उल्टी सिलाई में हमारे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने। देखिए जैसे पहला फंदा हमें स्लिप कर लेना है और ये दो सीधे दिख रहे हैं, ये देखिए एक दो तीन, उधर जो तीन उल्टे बनाए थे इधर वो तीन सीधे हो जाएंगे, दो तीन, फिर ऊन आगे कर लेंगे, ये देखिए ये जो हमने दो का एक किया था ये उल्टा दिख रहा है, ये जो हमने ऊन आगे किया था जाली बनाई थी इसको भी उल्टा बनाएंगे, दो तीन, ये जाली बनाई थी चार, और ये जो दो का एक किया था पांच, छः, सात, और ये यहीं तक बस बनाएंगे, ये तीन फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो इन तीन फंदों को हम सीधा बना देंगे, एक दो और तीन, फिर उन आगे करेंगे, ये देखिए उल्टे फंदे दिख रहे हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं मतलब उस तरफ जो सीधे बने थे इधर उल्टे बन जाएंगे और उधर जो उल्टे बने थे इधर सीधे बन जाएंगे, दो तीन चार पाँच और ये छः, पांच फंदे ही बनेंगे, ये बार बार मैं बिन रही हूँ, ये देखिए ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर उसके बाद उनको आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे क्योंकि उधर पांच सीधे बनाए थे हमने, एक दो तीन, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा बनेगा, चार और एक ये पांच, और ये किनारे वाला स्लिप स्टिच है इसको हम उल्टा बना देंगे। फिर हम आ गए राइट साइड में जो कि हमारी सीधी सिलाई है, इसको कैसे बनाएंगे, पहला फंदा और लास्ट का फंदा हमेशा स्लिप कर लेंगे या उल्टा बना लेंगे जो भी आप करते हो, ये थर्ड रो है हमारी, इसको बनाने के लिए पहला फंदा तो हमने स्लिप कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर हम उनको आगे करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जाली दिख रही है। अब इन दोनों फंदों को ये ऐसे लेंगे और पीछे से दो का एक कर देंगे, ये ठीक दो का एक कर दिया, फिर दो फंदे उल्टे, एक और एक ये दो, दो फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब हम ये पहला फंदा स्लिप वाला है इसे छोड़ देंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदों का पैटर्न रिपीट हो गया। अब इसको छोड़ के यहाँ से फिर हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, तो हम उनको पीछे करेंगे, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, दो तीन चार, उनको आगे करेंगे, यहाँ जाली है तो यहाँ हम जाली बनाएंगे और इन दो फंदों को बैक लूप से दो का एक करेंगे, ये दो का एक कर दिए, फिर उसके बाद दो फंदे उल्टे, एक और एक ये दो, ऊन पीछे ले जाएंगे, चार फंदे सीधे, ये रिपीट ही हो रहा है, एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ जाली है ऊन आगे कर देंगे और ये फंदा और ये फंदा दोनों को पीछे से इस तरह से देखिए पीछे से दो का एक कर देंगे। अब दो फंदे लास्ट में उल्टे और एक हमारा किनारे वाला फंदा इसको भी उल्टा,
ये थर्ड रो राइट साइड की हमारी कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो में जैसे मैंने बताया था कि जो फंदे हमारे जैसे दिख रहे हैं उन्हें हम ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदे सीधे दिखेंगे उन्हें सीधे, जो फंदे उल्टे दिखेंगे उन्हें उल्टे। तो मैं रॉन्ग साइड की फिफ्थ रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो हमने सीधी बनाई थी, फोर्थ रो उल्टी हो गई, अब ये फिफ्थ रो राइट साइड की है। इसमें भी पहला फंदा तो हम एज यूजुअल स्लिप कर लेंगे। उसके बाद थर्ड रो में हमने चार फंदे सीधे बिना बनाए थे, अब फिफ्थ रो में हम एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने सीधे बना लिए। उसके बाद फिर उनको आगे करेंगे और ये दो फंदे, एक सीधा और एक उल्टा, इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और इस तरह से पीछे से दो का एक सीधा कर देंगे। अब हमारे पास पीछे से हमने दो का एक सीधा कर लिया, अब उसके बाद हमारे पास एक उल्टा बचा, ये इसको हम एक उल्टा बना लेंगे। अब इसको अगर हम छोड़ दें स्लिप वाले पहले फंदे को, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदों की हमारी डिजाइन बन गई। अब इसी को जो हमने स्टार्ट किया था इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। कैसे? अब हम बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, ये देखिए जाली है, उनको आगे कर लेंगे, ये फंदा और ये फंदा दोनों को एक साथ सिलाई कर लेंगे और पीछे से दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा, दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। उनको पीछे किया, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, उन आगे करेंगे, ये फंदा और ये फंदा दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेके ये पीछे से इस तरह से दो का एक कर देंगे सीधा बुन के। फिर एक फंदा उल्टा और एक हमारा लास्ट वाला फंदा। ये हमारी फिफ्थ रो राइट साइड की कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी तरफ, जैसा मैंने बताया था, जो फंदे सीधे हैं जो सीधे, जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टे बना के कंप्लीट करते हैं। छठी सिलाई हमारी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। अब हम राइट साइड में आ गए जो कि हमारी सातवीं सिलाई है, सेवेंथ रो है। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करके उतार लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट, इसके बाद तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक सॉरी ये दो और एक ये तीन, तीन फंदे हमने उल्टे बनाए। उसके बाद उनको हम पीछे ले जाएंगे और ये एक और दो, दो फंदे आगे से ऐसे सिलाई घुसाएंगे, ये इस तरह से आगे से सिलाई घुसाएंगे और दो का एक बना देंगे। तीन उल्टे, दो का एक किया हमने। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक सीधा करेंगे, ऊन को आगे करेंगे। अब इन दो फंदों को, एक सीधा है और एक उल्टा है, पीछे से दो का एक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, ऊन को पीछे ले जाएंगे, ये दो फंदे ऐसे पहले ढीला कर लेंगे, फिर आगे से सिलाई घुसाएंगे और दो फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे। ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे और एक सीधा और एक उल्टा, इन दोनों फंदों को एक साथ पीछे से दो का एक सीधा बुन देंगे। ये दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर ऊन आगे कर लेंगे, एक दो तीन, ऊन पीछे ले जाएंगे, ये दो फंदे आगे से ऐसे सिलाई घुसाएंगे और दो फंदों को एक साथ सीधा बुना देंगे। ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इन दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेके पीछे से ऐसे करके दो का एक कर देंगे। और ये हमारा लास्ट वाला फंदा है, इसे हम उल्टा बना देंगे। ये हमारी सेवेंथ रो राइट साइड की कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड जो कि हमारी एट्थ रो होगी, जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधे, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टे। तो चलिए बनाते हैं। अब हम नाइन्थ रो में आ गए जो कि हमारी राइट साइड की रो है।
पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, दो फंदे उल्टे, एक और एक, ये दो, दो फंदे उल्टे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, एक और दो, इन दो फंदों को ये ऐसे ढीला कर लेंगे पहले, और फिर ऐसे आगे से सलाई डाल के दो फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे। फिर ऊन को हम आगे कर लेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन दो फंदे उल्टे, दो का एक किया, ऊन आगे किया, फिर एक दो तीन और ये चार फंदे, सॉरी मैं चार फंदे हम सीधे बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा। ये चार फंदे सीधे बनाने के बाद हम दो फंदे यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए पहला फंदा अगर हम छोड़ दें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पहला पैटर्न रिपीट कंप्लीट हो गया। अब इसी को हमें रिपीट करना है, तो रिपीट यहाँ से होगा, तो दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे ले जाएंगे, एक उल्टा है और एक सीधा, ये ढीला कर लेंगे, फिर आगे से ऐसे सलाई घुसाएंगे और दो फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे, ठीक है। फिर ऊन को आगे कर लेंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार, फिर ऊन आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, ऊन पीछे कर लेंगे और इन दो फंदों को एक, इनमें से एक उल्टा है और एक सीधा, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई घुसा के दो का एक सीधा कर लेंगे, फिर ऊन को आगे करेंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार, ये लास्ट वाला फंदा। हमारी राइट साइड की नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। टेंथ रो हमारे जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें वैसे बनाएंगे। दसवीं सिलाई उल्टी हमने बना के, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, जो जैसे दिखाई दे रहे थे बना के कंप्लीट कर ली। अब ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हमारी इलेवेंथ रो होगी राइट साइड की। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे करेंगे और एक उल्टा है और एक सीधा, इन दोनों फंदों को पहले तो ढीला कर लेंगे जिससे सलाई आसानी से घुसा सकें हम, फिर दोनों फंदों को एक साथ दो का एक सीधा बना देंगे। ऊन को हम आगे कर लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जाली है तो जाली पे जाली बनेगी। अब पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच, हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी को हमें रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे करेंगे, ये दो फंदे आगे से एक साथ लेते हुए दो का एक सीधा बना देंगे, फिर ऊन को आगे करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे ले जाएंगे, फंदों को थोड़ा सा लूज कर लेंगे ऐसे, और इन दो फंदों को जिनमें से एक उल्टा है और एक सीधा, इनको आगे से ऐसे सलाई डाल के दो फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे हो गए और ये हमारा लास्ट वाला फंदा जो कि उल्टा। ये राइट साइड की 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। टोटल 12 सिलाइयों का, ये टोटल 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। फिर हम इसको फर्स्ट रो से रिपीट करेंगे 12th रो तक, और जो हमारी उल्टी तरफ, तो हमारी जो फंदे जैसे दिखाई देंगे हम उन्हें वैसे ही बनाएंगे और अपने, तो फर्स्ट रो से रिपीट करते हुए 12th रो तक इसी तरह से हम अपना पैटर्न रिक्वायर्ड लेंथ तक बना लेंगे। ये लेडीज़ प्रोजेक्ट में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप हाफ जैकेट बनाएं या फुल कार्डिगन बनाएं, और ये लाइट और डार्क दोनों कलर में थे, जिग जैग सी जाली सी बनी है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, और आपको एक बार फिर से थैंक यू कि 1,00,000 सब्सक्राइबर तक आपने पहुँचाया,
और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। और लाइक बटन को जरूर क्लिक किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो को आप सभी पुराने नए सभी सब्सक्राइबर देख सकें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप अपने कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसे द इंडियन ईटर नामक फेसबुक पेज है उस पर भी शेयर किया कीजिए, जिससे और लोग भी देख सकें। तो आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे। अब तो ठंडियाँ ठीक ठाक पड़ रही हैं, ज़बरदस्त वाली, तो आप लोग ठंडी को इंजॉय कीजिए, स्वेटर बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंजॉय निटिंग। थैंक यू।